हम लोग सुरभि गोशाला में, सुरभि गोधाम में बैठ करके पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी का दिव्य उत्सव मना रहे हैं। श्री सीताराम जी का यह कितना 18वां क्या लिखा, 19वां लिखा है, 19वां पाठोत्सव है। कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी का और गुरुदेव के श्री विग्रह की स्थापना का, पूज्य गुरुदेव सद्गुरुदेव अनंतश्री संपन्न श्री भक्तमाल भाष्यकार श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज का बुंदेलखंड की धरती से बड़ा घनिष्ठ संबंध था। महाराज जी जिस काल में वाराणसी में पढ़ते थे काशी में, उसमें बुंदेलखंड के कुछ विप्र बालक भी काशी में पढ़ते थे। गोरा गांव के पंडित जयराम जी और पंडित श्री श्री मिश्र जी, एक क्यों मिश्रा जी, हरिहरदत्त के पिताजी क्या नाम था, श्री मिश्र जी, वो भी काशी में पढ़ते थे। वो कौन, मगोरा कौन गांव है, मगरपुर, और जयराम गोरा गांव के पंडित जयराम जी, और भी इस बुंदेलखंड के कुछ उस जमाने के लोग पढ़ते, अंग्रेजी जमाना था, उस समय की बात, अंग्रेजी शासन था। तो ये लोग महाराज जी को सुनाते थे कि ऐसे ओरछा में महारानी कुंवर गणेश बाई राम जी को लेके अयोध्या से आई, ऐसा है ओरछा, ऐसा है, ऐसा है। तो महाराज जी के मन में भाव था कि हम कभी ओरछा जाएंगे। सन 1943 में उन्होंने काशी में शास्त्री तक का अध्ययन पूर्ण कर लिया था महाराज जी ने 1943 में। उसके बाद महाराज जी को वैराग्य जगा, तो वहां से वो सब कुछ त्याग कर विंध्याचल आ गए। 7-8 महीने विंध्याचल रहे, कठोर तप किया, भगवती की उपासना की उन्होंने, और भगवती ने ही उन्हें दर्शन दे करके आदेश दिया ब्रजभूमि में जाने का। वहाँ से महाराज जी चित्रकूट आए, 7-8 महीने चित्रकूट विराजे, और उस समय ब्रह्मचारी वेश में ही थे, और चित्रकूट से महाराज जी चलकर पैदल जब ओरछा आए, अंग्रेजी शासन था उस समय, आज भी ओरछा गांव जैसा है, उस समय कैसा रहा होगा आप कल्पना कर सकते हैं। पैदल चल करके आए थे काशी से विंध्याचल, विंध्याचल से चित्रकूट, चित्रकूट से पैदल चल के ओरछा। यहाँ आए रास्ते में जंगली मार्ग से आए, कहीं कुछ प्रसाद आदि की व्यवस्था हुई नहीं, यहाँ आए तो उस समय संभवतः ये वैशाख का महीना था, क्यों वैशाख कृष्ण, क्यों चरित्र में वैशाख कृष्ण है ना, वैशाख कृष्ण दशमी थी। 3-4 दिन बीच में व्यतीत हो गए थे बिना कुछ खाए, बड़ी भूख लगी थी, बेत्रवती गंगा में स्नान किया और किनारे की थोड़ी सी मिट्टी खाकर पानी पिया, रात्रि को यहीं निवास किए, और मन में सोचे कल तो एकादशी है, कल ऐसे ही जल पी करके व्रत करेंगे, अच्छा है ओरछा में आ गए। शाम को पहुँचे थे यहाँ, राम राजा सरकार को सहन नहीं हुआ, और राम राजा सरकार एक ब्राह्मण के वेश में पूज्य गुरुदेव के समक्ष आए और बोले, ब्रह्मचारी जी आप लगता है 3-4 दिन से आपने कुछ खाया नहीं है, आज एकादशी है, आप हमारे घर में फलाहार कर लीजिए। तो महाराज जी ने मन में सोचे चलो हम तो जल पी के सोचते थे, अब कई दिन हो भी गए हैं, अपने आप भगवान ने व्यवस्था की है तो कोई बात नहीं। तो उनके घर महाराज जी चले गए, प्रेम से फलाहार किया। दूसरे दिन फिर आ गए, वो बोले जो एकादशी को फलाहार करावे उसे द्वादशी को पारण जरूर कराना चाहिए, तो आप हमारे घर चल के पारण कर लीजिए। महाराज जी बोले बिल्कुल ठीक, पालेंगे प्रसाद। पाके आ गए,
नाम अपना बताया था पंडित राजा राम जी। नाम क्या बताया? पंडित राजा राम जी नाम बताया। और जब महाराज जी प्रसाद पा के आ गए, हो सकता है लंका दहन हनुमान जी का ही क्षेत्र हो, कोई पता नहीं, बेतवा के किनारे आकर महाराज जी थे, तो मन में महाराज जी के आए कि पंडित जी बड़े मीठे स्वभाव के थे, उनसे पूछें कि भाई मन लग रहा है यहाँ ओरछा में हमारे रहने की कहीं व्यवस्था हो सकती है क्या। तो एक दिन पहले भी गए थे, दूसरे दिन भी गए थे, पूरे ओरछा में घूम लिए, राजा राम पंडित जी नाम के कोई पंडित जी ही नहीं मिले। तो महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि न तो घर दिखाई पड़ा, न वो ब्राह्मण देवता दिखाई पड़े, आखिर कौन थे। अब बार बार दिमाग में आने लग गया कि वे कौन थे, कौन थे। बड़े विकल हो गए। द्वादशी को शाम की बात है, विकलता बहुत बढ़ गई, तो राम राजा सरकार में ब्यारू भोग आ गया और मंदिर में चिक पड़ गई। तो महाराज जी ने पुजारी जी से जाके पूछा, उस समय जो भी पुजारी रहे हों, पुजारी जी से पूछा कि ऐसे ऐसे एक पंडित जी को हम खोज रहे हैं, आज पूरे दिन खोजा, हमको कहीं मिले नहीं, कल भी हमने उनके यहाँ फलाहार किया था, आज हमने उनके यहाँ व्रत का पारण किया, तो आपको कोई जानकारी हो तो आप बताओ। इतना सुनते पुजारी जी सजल नेत्र हो गए, उन्होंने कहा आप काशी से आए हैं क्या? यहाँ काशी से तो आए, आपको कैसे पता? बोले आज दोपहर में ही भगवान को शयन कराने के बाद हम थोड़ी देर विश्राम में गए, तो हमको स्वप्न में राम जी राजा सरकार ने कहा कि काशी से ब्रह्मचारी जी आए हैं, उनको हमने एकादशी का फलाहार करवा दिया है, द्वादशी को प्रसाद पवा दिया है, अब वो तुम्हारे पास पूछने आवे तो उनको मंदिर में ही व्यवस्था कर देना। तो वो राजाराम पंडित जी और कोई दूसरे नहीं थे, ओरछा राम राजा सरकार ने ही प्रत्यक्ष छद्म वेश में आपका दो दिन आतिथ्य किया है, अब आप यहीं विराजो मंदिर में। तो 8 महीने महाराज जी राम राजा सरकार में रहे। बोले हम बिना सेवा के नहीं रह सकते, हम खाएंगे तभी जब कुछ सेवा करेंगे। तो पुजारी जी ने कहा क्या सेवा करोगे, ब्राह्मण घर का शरीर है, आप रसोई बनाना जानते हो, महाराज जी को रसोई बनाने में शुरू से ही बढ़िया रहा। तो महाराज जी ने राम राजा सरकार का 8 महीने भंडार बनाया है। कितना? रसोई में महाराज जी सेवा करते थे और ठाकुर जी को भोग लग जाता, उसके बाद महाराज जी अपने एकांत में जंगल में कहीं बैठ के भजन करते। तो ओरछा से उनका बहुत गहरा संबंध जुड़ा था। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।